प्रदेश के सरहदी बाड़मेर इलाके में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आ गया है। यहां समदरी में बीजेपी के पूर्व विधायक पिंकी चौधरी ने एक बार फिर चर्चा में आ गई। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी मंगलवार रात बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, साथ ही खुद की जान का खतरा का आरोप उसी युवक के खिलाफ लगाया जिसके चलते वो अपनी पति को छोड़कर कुछ महीने से रह रही थी। मिली जानकारी अनुसार पहले पिंकी ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहां से कार्यालय बंद होने के कारण पूर्व प्रधान को महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने में पूर्व प्रधान ने अशोक नाम के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जिसके साथ वह बीते कई महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पूर्व प्रधान ने महिला थाने में कहा कि उसे और उसके ससुराल वालों की जान का खतरा है। पीड़िता का कहना है कि बड़े राजनीतिक दबाव के चलते डरा धमका कर 4 दिन तक जयपुर रखा गया, फिर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता पूर्व प्रधान से दबाव बनाने वाले लोगों के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यदि नाम बताया तो उसे जान से मार देंगे। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व भी समदड़ी प्रधान काफी चर्चाओं में रही थी। पूर्व प्रधान ने अपने पति का साथ छोड़कर अशोक नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। इस घटना के बाद बाड़मेर की राजनीति में भी उस वक्त खलबली मच गई जब पूर्व प्रधान ने देर रात बाड़मेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया और आप बीती सुनाई। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत महिला थाने में मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया, साथ ही पुलिस सुरक्षा भी मुहैया करवाई। पीड़िता का कहना है कि उसे व उसके परिवार को जान माल का खतरा है, पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। उन्होंने बताया कि अशोक 2 माह से लगातार दबाव बनाकर मारपीट कर उन्हें पुलिस अधीक्षक के नाम ईमेल करने के लिए मजबूर किया और ससुर के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही, लेकिन अब वह पूर्व पति के साथ ही रहना चाहती है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वह पूरे घटनाक्रम को लेकर महिला थानाधिकारी लता बेगड़ बताती है कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर 344, 384, 323 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता के साथ सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि यह तहकीकात इस मोड़ पर ले आएगी यह आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।